नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप सभी का स्वागत है किस्सा पुराण में। पौराणिक कहानियों में आपने कई देवताओं के स्त्री रूप के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि गणेश जी ने भी स्त्री रूप धारण किया था? जी हाँ, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का स्त्री रूप भी पुराणों में दर्ज किया गया है। विनायक गणेश जी के इस स्त्री रूप को विनायकी के नाम से जाना जाता है। धर्मोत्तर पुराण में विनायकी के इस रूप का उल्लेख भी किया गया है। इसके अलावा वन दुर्गा उपनिषद में भी गणेश जी के स्त्री रूप का उल्लेख दर्ज है, जिसे गणेश्वरी का नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, मत्स्य पुराण में भी गणेश जी के इसी स्त्री रूप का वर्णन प्राप्त है। लेकिन कैसे गणेश जी ने स्त्री रूप धारण किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें स्त्री रूप लेना पड़ा, इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है, जो माता पार्वती एवं अंधक नामक एक दैत्य से जुड़ी है। पुराणों में दर्ज इस कथा के अनुसार एक बार अंधक नामक दैत्य माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने के इच्छुक था। अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने जबरदस्ती माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की, लेकिन माता पार्वती ने मदद के लिए अपने पति शिव को बुलाया। अपनी पत्नी को दैत्य से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और राक्षस के आर पार कर दिया, लेकिन वो राक्षस मरा नहीं, बल्कि जैसे ही उसे त्रिशूल लगा तो उसके रक्त की एक एक बूंद के एक राक्षसी अंधका में बदलती चली गई। यदि उसे हमेशा के लिए मारना हो तो उसके खून की बूंद को जमीन पर गिरने से रोकना होगा। ये देख माता पार्वती को एक बात समझ में आई। वो जानती थी कि हर एक दैवीय शक्ति को दो तत्व होते हैं, पहला पुरुष तत्व जो उसे मानसिक रूप से सक्षम बनाता है और दूसरा स्त्री तत्व जो उसे शक्ति प्रदान करता है। इसलिए माता पार्वती ने उन सभी देवियों को आमंत्रित किया जो शक्ति का रूप थी। ऐसा करते हुए वो हर दैवीय शक्ति के स्त्री रूप में आ गए, जिन्होंने राक्षस के खून को गिरने से पहले ही अपने भीतर समा लिया। फलस्वरूप अंधका का उत्पन्न होना कम हो गया, लेकिन इस सब से भी अंधक के रक्त को खत्म करना संभव नहीं हो रहा था। लेकिन आखिर में गणेश जी ने अपने स्त्री रूप विनायकी में प्रकट होकर उन्होंने अंधक का सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार से देवताओं के लिए अंधका का सर्वनाश करना संभव हुआ। गणेश जी के विनायकी रूप को सबसे पहले 16वीं सदी में पहचाना गया। उनका यह स्वरूप हूबहू माता पार्वती जैसा प्रतीत होता है। अंतर केवल सिर का है, जो गणेश जी की तरह ही गज के सिर से बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।